टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के एमएम वाली स्टेडियम में अब बूस्टर भी लगवाया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं और डबल डोज वैक्सीन लेने वालों को अब बूस्टर भी दिया जा रहा है। आज मनपा अधिकारी मनीष जोशी और एनसीपी के कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और डॉक्टर मुमताज शाह और डॉक्टर शारमीन डिंगा अन्य तमाम लोग एमएम वली स्टेडियम में मौजूद है। आज शमीम खान ने बूस्टर भी लगवाया है और लोगों से भी बूस्टर लगवाने की अपील की है। आपको बता दें, साथ ही शमीम खान ने मांग की है कि 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसका इंतजाम जो है टीएमसी हॉस्पिटल में किया जाए ताकि बच्चे वहां पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकें। इस मौके पर मनपा अधिकारी मनीष जोशी और शमीम खान और शारमीन डिंगा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज का दिन एक्चुअली हमारे मुंब्रा प्रभाग समिति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एक अवेयरनेस के तहत मुंब्रा शहर के सोशल वर्कर हमारे मित्र शमीम भाई, इन्होंने आज फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी में आज इन्होंने एक बूस्टर डोज लिया। इंग्लिश में हम कहते हैं टू लीड बाय एग्जांपल, तो उन्होंने आज उसका एक उदाहरण दिया कि पहले उन्होंने खुद डोज लिया और बोले पहले मैं डोज लूँगा और फिर इसके माध्यम से, इस आज के इंसिडेंट के माध्यम से पूरे शहर में ये फैलेगा। आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से 15 to 18 हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल के ऊपर जो कोमॉर्बिड हैं उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज, बूस्टर डोज का ऐलान हो चुका है और लोग वो ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अपने मुंब्रा एरिया में इसका कवरेज जैसे होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो इसीलिए आज मैंने शमीम भाई को रिक्वेस्ट की थी कि आप स्टेडियम आए और आप ये डोसेज लें और आपसे लोग फिर प्रेरित होके पूरे मुंब्रावासी भी ये डोज लें। जोशी साहब, डबल वैक्सीन लेने के कितने दिन बाद बूस्टर ले सकते हैं? शमीम तुम बोलो। डबल वैक्सीन लेने के बाद हम 9th month के बाद हम ले सकते हैं। द डेट ऑफ जो अपना सेकेंड डोज होता है ना, उसके 9 महीने के बाद आप सेकेंड प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हो। शमीम भाई, आपने आज यहाँ पर डबल डोज के बाद जो है अपने बूस्टर लिया, क्या कहेंगे? बूस्टर डोज के बारे में ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे डॉक्टर शारमीन, डॉक्टर शाह का फॉलोअप था और मनीष जोशी साहब ने भी कहा कि शमीम भाई अपने को इसका अवेयरनेस करना पड़ेगा, थोड़ा शहर में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। देखिए, बूस्टर डोज लेना ज़रूरी क्यों है आपके लिए? आपके बॉडी में और एंटीबॉडी बढ़ती है सर, जो मैंने समझा है आपसे, डॉक्टरों से, तो इसको देखते हुए देखिए लोग इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन मैं शमीम खान ये कहना चाहता हूँ कि विथ फैमिली पॉजिटिव था सर, बराबर ज़िंदगी और मौत से लड़ करके उस अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान अदा करता हूँ कि आज यहाँ खड़ा हूँ। तो मुझे इसकी बहुत फिक्र है कि बूस्टर डोज लेना बहुत ज़रूरी है और मैं आपके माध्यम से आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि स्टेडियम के अंदर यहाँ पे मैं मनीष जोशी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आप मुंब्रा से उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना हम मोहब्बत करते हैं। आप हमेशा मुंब्रा कोसा को लेकर सर हमेशा एक्टिव रहते हैं सर। कितना अच्छा प्लान किया जाए, कितना बेहतरीन यहाँ की आवाम की सहूलियत को फराहम किया जाए सर, उसकी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, उसके लिए मैं आपका सर शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर आपसे एक मांगनी करता हूँ जी। सर जिस तरीके से हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने कमिश्नर साहब से बात किया, हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान जी ने बात किया और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के बात करने के बाद खास करके कमिश्नर साहब ने आपको आदेश दिया सर, और आपने सर मुंब्रा कोसा में सर 15 to 18 क्लास के बच्चे जो ईयर्स के हैं, यंग बच्चे हैं सर, जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, उन बच्चों के लिए सर आपने कालशेखर कॉलेज में सर और जी आर पाटिल कॉलेज में सर आपने सर वहाँ पे कैंप दिया, यानी वैक्सीनेट करने का आपने घोषणा किया सर, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सर आज ही मेरी बात हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब से भी हुई, हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान जी से भी हुई, हमारा चर्चा हुआ, मैं तो बूस्टर डोज लेने के लिए आया था, लेकिन जब ये बातें हमारे सामने आई, डॉक्टर शारमीन, डॉक्टर शाह ने बात को रखा, सर से बात हुई, तो हम आपके माध्यम से सर हम आपसे ये मांगनी करते हैं, हम आपसे ये अपील करते हैं कि सर क्यों नहीं, स्टेडियम इतना बड़ा है। क्या होता है सर कि जब आवाम ने ज़्यादा स्टेडियम में कोरोना के वक्त यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है, यहाँ पे लोगों का सर वैक्सीनेट हुआ है, तो सर आप
यहाँ पे मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरी बात हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब से भी हुई है, उन्होंने यही कहा है, शानू पठान जी से बात हुई है, भाई साहब से बात हुई है, हम लोगों का ऐसा आपसे मांगनी है सर कि 15 to 18 ईयर्स के बच्चों का सर आप जो सर नया हॉस्पिटल अभी मंत्री जी ने बनाया है सर, खास करके कॉरपोरेशन के सहयोग से बना है सर, सर आप उसको वहाँ स्टार्ट करें जिस तरीके से सर नए यानी यंग बच्चे फर्स्ट वहाँ से डोज लेना चालू करेंगे सर, तो सर बहुत खुशी होगी हम सबको। तो इस तरीके का डिसीज़न अगर आप चर्चा करके सर आप लेते हैं और फिर सर उसका एक ऐलान करते हैं सर, तो बहुत ही खुशी की बात होगी, ये हमारी आपसे मांगनी है सर। और मैं आवाम से ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब से मेरी बात हुई आधा घंटा पहले, उन्होंने कहा है कि आप मेरे माध्यम से कहो आवाम से कि जिस तरीके का फ्राहम जिस तरीके की सहूलियत आपके लिए 15 to 18 साल के बच्चों के लिए, हमारे बाकी और भी लोगों के लिए डोज जो चल रहा है, जो हमारे कमिश्नर साहब की जानिब से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब की जानिब से चल रहा है, उसका भरपूर लाभ उठाएं, इससे महरूम मत रहें और ये डरे मत कि वैक्सीनेशन देने से कुछ तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज शमीम खान ने बूस्टर डोज भी ले लिया, आइए अगर आपका डबल डोज हो चुका है तो आप डॉक्टर शारमीन से डॉक्टर शाह से कॉन्टेक्ट करें और यहाँ आकर के स्टेडियम में आप, टाइमिंग क्या मैडम, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आकर के आपका आधार कार्ड लेकर के आएँ और बूस्टर डोज लेकर के अपने आप को महफूज करें, यही मैं कहना चाहता हूँ।